हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता। आज हम बनाने वाले आलू के पकौड़े। सबसे पहले हमें आलू को बॉईल कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा बारीक बारीक काट लीजिए। फिर मटर लीजिए। मटर को फिर थोड़ा थोड़ा बारीक काट लीजिए। इसके साथ ही बारीक काटने के साथ साथ फिर हमें एक गाजर लेना है। फिर इसको भी थोड़ा थोड़ा काट लीजिए, बहुत ही हल्का काट लीजिए। काटने के बाद फिर उसे आलू में मिक्स कर लीजिए। जीरा, धनिया पाउडर और लाल मिर्च, हरी मिर्च और थोड़ा गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार डाल के इसको मिक्स कर लीजिए। और इसको इस तरह मिक्स करिए ताकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे देखने में भी। फिर इसके अंदर थोड़ा सा आटा डाल लीजिए। आटा डालने के बाद इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। फिर इसके छोटे छोटे लोइयां बना लीजिए। लोई बनाने के बाद हमने तेल को पहले से ही गरम कर रखा था। फिर वो लोइयां धीरे धीरे करके गरम तेल में डाल लीजिए। ऐसे ही डालने के बाद फिर थोड़ी देर छोड़ लीजिए। ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी हमारे आलू के पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। सॉस के साथ मज़ा लीजिए।